हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में एक नए वीडियो के साथ। आपने डोनट्स तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम खाएंगे चिकन डोनट्स। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं चिकन डोनट्स। आइए देखते हैं चिकन डोनट्स हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन डोनट्स बनाने के लिए मैंने ये सारे सामान ले लिए हैं। ये सारे सामान आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं वीडियो में। ये सारे सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक जार में मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। चिकन का कीमा जो है वो 250 ग्राम है, यानी 1.25 किलो है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, 3 हरी मिर्च डाली है और 1 कटी हुई प्याज। उसके बाद 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 चम्मच जो है वो काले मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स जाएगा। उसके बाद 1 आलू को मैंने उबाल लिया था, इस तरीके से इसको तोड़ के डाल दिया है। और उसके बाद इसमें जाएगा 2 ब्रेड की स्लाइस, यानी 2 ब्रेड जाएंगे। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। कोशिश ये करिएगा कि इसे बिना पानी डाले पीसिएगा और इसे इस तरीके से बारीक पीस लेना है। तो ये अब पीस के तैयार हो चुका है। अगर पीसने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा गीला लगता है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब मिला के चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ब्रेड क्रम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, वरना अंदर से वो कड़क हो जाएगा। फिर मैंने इसे ढक के 20 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। अब इसे ओपन किया है तो ये पेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। और फिर उसके बाद हथेली पे आपको तेल लगा लेना है ताकि आप उसका अच्छे से जो शेप है वो दे पाए, वो चिपके नहीं। और फिर इस तरीके से उसे पूरा राउंड करके, फिर अगर आपके घर पे कोई ढक्कन या कोई चीज़ है तो आप इस तरीके से उसे डोनट का शेप दे सकते हैं। डोनट का शेप देने के बाद आपको चारों साइड से इसे प्रॉपरली जो है वो इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं प्रॉपरली उसे अच्छे से राउंड शेप देना है। और इसी तरीके से जितना भी पेस्ट है उस सब का आप डोनट शेप बनाकर रख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पूरा जो पेस्ट है उसका पूरा डोनट बना लिया है और बनाकर फिर मैंने एक डब्बे में जो है इसको रख दिया था, फ्रीज कर दिया था। इसलिए कर दिया था कि आपका जब मन हो तब आप निकालें और तब फ्राई करके खाएं। आप इसे काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, लेकिन उसको डब्बे में रखने से पहले आपको इसको पूरी तरीके से तैयार करना होगा। यानी कि आपको ये शेप देने के बाद उसको जो आपने एक अंडा फेंटा हुआ था उसमें आपको इसको डिप करना है, डालना है और उसके बाद ऊपर से ब्रेड क्रम लगाना है। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है तो इसको मैंने डब्बे में रख दिया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में जितना भी डोनट्स तैयार है मैंने हर एक को इसी तरीके से रख दिया है। 1.25 किलो चिकन कीमे में करीबन 12 डोनट्स जो है वो तैयार हुए थे। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाला है, आप देख सकते हैं फ्रीज़र से मैंने इसे निकाला है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ऑन द स्पॉट फ्राई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रख के कभी और फ्राई करना चाहें किसी और दिन, आप वो भी कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। अब स्लो आँच पे एक एक डोनट मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और फिर इसी तरीके से हल्का हल्का उसे टर्न करते रहना है। अगर आपके घर पे स्टिक है तो आप स्टिक को डोनट के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो अंदर से पका है या नहीं। वैसे स्लो फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो वो पक जाता है। और फिर इस तरीके से मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली और इतनी आसानी से हमारा जो डोनट है वो तैयार हो गया, जो बहुत ही दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है और ये काफ़ी क्रिस्पी था। तो आप इसे चटनी के साथ या आप जिसके साथ भी चाहें आप डिप करके खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।